नमस्कार, स्वागत है समाचार कैरी में। और पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। सेक्टर 10 के चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन दो युवतियों पर हमला किया गया था उनके बयानों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पंचकुला के क्लब में इस हफ्ते की एक तीसरी वारदात सामने आई है, जिसमें पंचकुला के सेक्टर 9 के निजी क्लब के बाहर 6 युवकों ने युवती के ऊपर चढ़ाई गाड़ी और दूसरी युवती के सिर पर किया कड़े से वार, जिससे युवती का सिर फट गया। आपको बता दें कि सुबह करीब 4:30 बजे सेक्टर 9 के एक क्लब के बाहर दो युवतियां पार्टी करने के बाद जब क्लब के बाहर आई तो दो गाड़ियों में करीब 6 युवक आए और युवतियों के साथ जबरदस्ती करने लगे और उनको अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे। जब युवतियों ने इस बात का विरोध किया तो तानवी 23 साल नामक युवती के सिर पर कड़ा मारकर उसका सिर फाड़ दिया गया और दूसरी युवती आरती 22 साल को धक्का दिया और उसके पैरों के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, जिससे आरती के दोनों पैरों का फ्रैक्चर हो गया, जिसका इलाज सेक्टर 6 हॉस्पिटल में चल रहा है और तानवी का सिर भी फाड़ दिया गया। दोनों युवतियों को सेक्टर 6 हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है और सेक्टर 10 के चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र से जानकारी लेते हुए उन्होंने बताया कि दोनों युवतियों के बयानों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा सेक्टर 10 चौकी इंचार्ज जगदीश चंद्र ने। पंचकुला चंडीगढ़ से पत्रकार कपिल नागपाल की खास रिपोर्ट। बताएंगे, दो युवतियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है और मारपीट भी हुआ, सर क्या मामला है सर? हमारे पास सूचना आई थी, जिस पर हमने पर्चा दर्ज कर दिया है और अनुसंधान जारी है, आरोपियों की तलाश जारी है। गाड़ी है कि उसका नंबर आया था और उसकी तलाश जारी है, लेकिन उसका नंबर पूरा नहीं है, अधूरा नंबर था। फिर भी CCTV कैमरे और सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं, जैसे ही पता लगेगा आरोपियों का तो तुरंत गिरफ्तार करेंगे और आगे की कार्रवाई। सर क्या बताया युवतियों ने, क्या हुआ था? युवतियों ने ये कह बताया कि हम रात के क्लब में पार्टी करने आई हुई थी और वो लड़के भी हमारे साथ थे और उन्हें जानकार नहीं थे, उनके नॉन थे, पंजाब साइड के लड़के हैं, उनके बारे में तलाश जारी। ठीक।